काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरे करेगा कब। अर्थात जो काम आप कल पे टाल रहे हैं उसको कल पे ना टाल कर आप उस काम को आज ही पूरा कर लें। अगर आप उस काम को आज पूरा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप समय के अनुसार अपने सारे कार्य को कर रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों, नए साल के लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर ग्रामर में आया हूं जो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर व्याकरण में संधि बहुत टफ है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें। लेकिन मेरा मानना ऐसा है ना बच्चों, संधि दरअसल उतना टफ है नहीं। अगर आप पेस को समझ लें तो संधि समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आज मैं ग्रामर में संधि टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं। संधि, संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा ज्वाइंट, लेकिन संधि में हम लोग आज ज्वाइनिंग पढ़ते। दरअसल संधि में आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, ये दो संधि के मूलभूत आधार है। अगर आप स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से अगर आपने समझा है, वर्णमाला की क्लास में आपने बिल्कुल स्वर और व्यंजन को समझा होगा, तो स्वर हम लोग जानते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है, 11। ये स्वर जो है 11 में, और मात्रा अगर बोला जाए तो मात्रा कितनी की होती है, 10। किसकी मात्रा नहीं होती है, अ की, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर है क्या, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझ लें, स्वर में जैसे अ आ ई ई, इसको हल्की जगह भी कह रहे हैं, अ आ ई ई, उ उ, ए ए, ओ और ओ, ये मुख्य रूप से पांच मुख्य हैं। अगर ये पांच आप समझ गए तो संधि समझने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। सबसे पहले लोग ज्ञान लें, मैं बहुत ज्यादा स्वर की परिभाषा नहीं बताऊंगा। स्वर को पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि कोई भी साउंड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो जो हमारे मुंह से हवा निकलती है ना बच्चों, जिसको आप प्राणवायु कहते हैं, जिसको बोलने के समय ना कंठ से ना गले से किसी प्रकार की कोई रुकावट हो, उसे हम स्वर कहते हैं। अब देखिए, हम ये पांच को आप याद रखें, अ आ ई ई उ उ ए ए ओ औ, इसको हम एक फैमिली मान लेते हैं। ये क्या हो गया, एक फैमिली। फैमिली में क्यों कह रहा हूं, अगर इसको हम अ आ को एक फैमिली की तरह मानेंगे ना तो चीजें समझने में आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। संधि में आपको क्या आएगा, पहले आप इसे समझिए। दो शब्द आएंगे, एक चीज मैं और बता दूं, संधि में अक्सर लोग इसे प्लस कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये प्लस नहीं, इसको हम हिंदी भाषा में या तो जमा कहेंगे या तो धन कहेंगे। फिलहाल मैं जमा कहता हूं। एक शब्द आ गया, मान लो हिम जमा आलय। अब आपको पहचानना क्या है, संधि आप कैसे पहचानोगे, पहले अक्षर का आखिरी, ध्यान दीजिए बच्चों, पहले शब्द का आखिरी और सेकंड वर्ड का पहला लेटर। तो आपको यहां क्या दिखाई पड़ रहा है, ये स्वर है या व्यंजन है, ये तो स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी व्यंजन हो इसमें आपको एक चीज छिपा हुआ नजर आएगा, अ, यानी अगर स्वर नहीं है कोई व्यंजन है तो इसका मतलब यहां पर अ है, और यहां पर क्या है, आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब जब उसे हम इकट्ठे लिखेंगे तो इकट्ठे में हिम जोड़ आलय का क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या परिवर्तन आया, आकार का परिवर्तन आया। ये आ की मात्रा कहां से आया, ये मौ में ओ आ गया, और आ पहले से यहां पर दिया हुआ है, अ जमा आ बराबर आ, यही तो परिवर्तन आया है, इसे ही हम संधि कहते हैं, ठीक है।
दूसरा अगर मैं कोई बात करूं, आप किसी भी शब्द के याद रखिए संधि करते समय आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला। आइए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैंने पांच परिवार बताए थे, ये पांच परिवार मैं इसलिए बता रहा हूं कि अ आ ई ई ऊ ऊ ए ए ओ औ, ये पांच परिवार जो है ना, जब हम लोग संधि की भेद पढ़ेंगे तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। क्या क्या? स्वर संधि, विसर्ग संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी पांच भेद हैं। पांच भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, आयादि संधि, ये स्वर संधि के पांच भेद। अब ये पांच भेद में क्या है ये आप समझ लें। दीर्घ संधि का मतलब है, एक मैं आपको ट्रिक समझा दे रहा हूं, इससे बेहतर संधि को समझने का और कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता। एक बार ध्यान रखिए, व्याकरण में आप जब भी संधि पढ़ें, समास पढ़ें, अलंकार पढ़ें, किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ मैं कुछ ट्रिक है तो मैं बता रहा हूं। दीर्घ संधि में एक सबसे अच्छा मैं ट्रिक आपको समझा दूं, इसे आप याद रखिएगा, ये आगे चलकर काम आएगा। दीर्घ संधि 1+1=1, इसका मतलब क्या है? दीर्घ संधि में जब मैं कोई भी शब्द बनाऊंगा, संधि चेक करूंगा, 1+1=1, यानी इसी दीर्घ संधि से कोई अपनी फैमिली को यह बड़ा करेगा, ये किसी दूसरे को एंट्री नहीं देगा। वृद्धि संधि में क्या है? 1+2=1/2, यानी ये अपने परिवार से एक को लेगा, दूसरे के परिवार से भी एक को लिया, और इन दोनों में से ये किसी एक को बड़ा करेगा। गुण संधि में क्या है? 1+2=3, ये बिल्कुल पहले अपने परिवार से एक को लेगा, फिर दूसरे की फैमिली से एक को लेगा, और किसी तीसरे परिवार को ये बड़ा करेगा। यम संधि क्या है? यम संधि ये आधा अधूरा है, यम संधि जो है ये आधा अधूरा है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तब आपके लिए दीर्घ संधि क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ध्यान से देखना बच्चों, आपको एक शब्द आ गया परम जमा अणु, परमाणु। हम यहां पर इस शब्द पे ध्यान दें, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। चलिए पहले मैं क्लियर करता हूं, परम जमा अणु, मैंने बताया था कि आप पहले शब्द का आखिरी अक्षर देखेंगे, आखिरी क्या दिया हुआ है? म। म क्या है? व्यंजन है, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है? अ। सेकंड वर्ड का पहला अक्षर क्या है? अणु, अ दिया हुआ है, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आया, अलग परिवर्तन अगर आप देखेंगे तो ये आ परिवर्तन आ गया, यानी परम जमा अणु बराबर परमाणु। अगर इसमें आ की मात्रा आई तो क्यों आई? क्योंकि हमने पहले वर्ड का आखिरी लेटर देखा म यानी अ है, और दूसरे का हमने पहला देखा अ है, अ प्लस अ इक्वल टू आ, वही तो मैंने किया, परम जमा अणु बराबर परमाणु। दूसरा देखिए, सब जमा अर्थ स्वाद। अब इसमें देखिए क्या है, ये भी व्यंजन है, लेकिन वह भी क्या छुपा हुआ है? अ, और यहां पर दिया हुआ है अ, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ। अब क्या इसमें परिवर्तन आया? इसमें परिवर्तन आ गया आ की मात्रा। क्यों?
क्योंकि ये पहले शब्द से जो अ आया और दूसरे शब्द का जो अ आया, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, अ प्लस अ इक्वल टू आ। यही आ को हमने यहां आ का रूप दे दिया। तो स्व जमा अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, स्व। स्व का मतलब जो खुद अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। तीसरे शब्द क्या है, शरण, शरण जमा अर्थी बराबर शरणार्थी। अब शरण जमा अर्थी शरणार्थी, इसमें भी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले शब्द का आखिरी, तो पहले शब्द का आखिरी क्या है, अण, यानी इसमें क्या छिपा हुआ है, अ। दूसरे में क्या दिया हुआ है, अ, और जमा अ बराबर क्या हो गया, आ। अब ये आ कहां परिवर्तन हो गया, इस आ में परिवर्तन हो गया। जब भी आप संधि विच्छेद करें, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है पहले शब्द के आखिरी और सेकंड वर्ड के पहले, इन दोनों में क्या आ रहा है। अगर स्वर दिया हुआ है तो इसका मतलब है आप स्वर से पहचान लेंगे, अगर व्यंजन दिया हुआ है तो सब में म में अ होगा, कुछ भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब हम बहुत लिखेंगे ना बच्चों, तो म हलन अ, यानी ये म आधा है, ये अ पूरा है। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है इसमें अ छिपा हुआ है, तो अ प्लस यानी अ जमा अ बराबर आ। अब मैंने बताया था दीर्घ संधि की परिभाषा में, ये अगर दीर्घ की मैंने आपको बताया था तो वन प्लस वन इक्वल टू वन, दीर्घ संधि का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, यानी वन अ प्लस आ इक्वल टू आ, यानी ये अपने परिवार को तो बड़ा कर रहा है, अभी अ की बात हो रही है, इसको हम फर्स्ट फैमिली मान लेते हैं, ये पांच परिवार है, ये पांच फैमिलीज हैं, परिवार है। अब ये पांच फैमिली में अभी जो और आपकी फैमिली चल रही है, ये अपने परिवार में किसी दूसरे को एंट्री नहीं दे रहा है, अ जमा अ बराबर आ, ये किसको बड़ा कर रहा है, अपने परिवार को बड़ा कर रहा है, इसका मतलब है ये दीर्घ संधि होगा। और एक उदाहरण देख लेते हैं, आपको सिर्फ समझना क्या है, संधि विच्छेद के समय पहले शब्द का आखिरी, बार बार ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जैसे मैंने एक शब्द दिया पीत जमा अंबर बराबर पीतांबर, अब ध्यान से देखिए पीत में क्या है, ये तो व्यंजन है, स्वर तो है ही, अब तब में क्या छिपा हुआ है, अ जमा, यहां पर क्या है, अ, यहां भी अ आ गया, तो अ प्लस अ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ। अब जब यहां आ गया तो हमने पीतांबर में क्या मात्रा लगा दिया, आ की मात्रा लगा दिया, पीतांबर। देव जमा आलय देवालय, यानी देवताओं का घर, देव मतलब ईश्वर, आलय मतलब घर, वो भी क्या है, अ प्लस, यहां ऑलरेडी आ दिया हुआ है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, कुछ भी कर लो बच्चों, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, आ अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, कुछ भी कर लो, ये अपने ही परिवार को बड़ा करेगा, ये है दीर्घ संधि की परिभाषा। इसीलिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला ट्रिक समझाया, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, यानी ये वन है, ये वन है, और ये भी वन ही रह गया, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बड़ा कर रहा है। दीर्घ संधि की पहचान क्या है, ये कभी भी दूसरे को एंट्री नहीं देगा। ये तो हो गया और की बात, इसमें और भी कुछ सब बदल सकते हैं, ई की भी मात्रा बदल सकती है। आइए मैं आपको दूसरे फैमिली का भी समझा दूं, रवि जमा इंद्र रविंद्र, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, रवि में आपको एक मात्रा दिखलाई पड़ रही है, स्वर की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। सेकेंड वर्ड मैंने क्या कहा था, पहले शब्द के आखिरी, आखिरी में एक मात्रा तो आपको नजर आ रही है, मात्रा किस चीज की है, छोटी ई की है, ये छोटी, तो छोटी ई प्लस क्या भी छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, अब बड़ी जब हो गई तो यह मात्रा बड़ी ई की लग गई। एक चीज याद रखिएगा, रविंद्र जब हम लोग लिखते हैं और जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो ई जमा ई यानी छोटी ई
प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। रविंद्र में कभी भी छोटी ई नहीं होता। ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, मैंने बड़ी डाल दिया रविंद्र। ठीक इसी तरह से आप दूसरे शब्द को देखें, गिरी जमा ईश बराबर गिरीश। गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब पर्वत पहाड़, और ईश का मतलब देवता, यानी पहाड़ों का देवता, पर्वतों का देवता। ग्री में आप देख सकते हैं मात्राएं क्या है, ई की मात्रा है। सेकंड वर्ड का पहला में क्या है, बड़ी की मात्रा है, ई बराबर बड़ी ई ग्रीश। मात्रा क्या बदल गया, ग्रीश। यहां पे छोटी ई थी लेकिन जब हमने इकट्ठे लिखा तो ये बड़ी ई की मात्रा बन गई, यानी ये अपने ही परिवार को तो बड़ा कर। तो द्वीप संधि में मैंने क्या बताया था, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। ई की परिवार में भी क्या हो रहा है, ई जमा ई बराबर बड़ी, यानी ये अपने ही परिवार को तो बड़ा कर रहा है। ई ई यानी किसी का फैमिली बड़ा हो रहा है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, कपि जमा ईश। कपि किसको कहते हैं, कपि का मतलब मालूम है बच्चों, कपि बंदर को कहते हैं, यानी कपि मतलब बानर, ईश मतलब भगवान, यानी बानरों का राजा या बानरों का भगवान। कपि जमा ईश बराबर कपीश। एक ही बनाई करते हैं कपीश। फिर आप देख लीजिए प व्यंजन है, मात्रा क्या है छोटी की, यहां मात्रा क्या है बड़ी की। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बड़ी की। आप ये कभी धोखे में मत रहना कि सर छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बड़ी ही होगी। कुछ भी कर लो बड़ी ही होगी। आप देख लो ग्रीक में बड़ी की मात्रा, कभी में बड़ी ई की मात्रा, यहां भले मैंने छोटी की मात्रा लिखी थी लेकिन जब इकट्ठे लिखा तो यह बड़ी ई की मात्रा में बदल गया। परिवर्तन क्या आया, बड़ी की मात्रा में, ये अपने परिवार को तो बड़ा कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नारी जमा इंद्र। नारी जमा इंद्र क्या बनेगा, इकट्ठे में नारी इंद्र। अब इसमें देखो मात्राएं नहीं बदली, बड़ी ई की मात्रा बड़ी, क्योंकि हमने मात्रा देखी है, यहां छोटी, ठीक है। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई की मात्रा, ये बदल गया। यानी जब नारिंद्र का, नारी जमा इंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इकट्ठे करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, यानी ये अपने ही परिवार को बड़ा किया, ई ई। एक और इंटरेस्टिंग, इसे आप जरूर देखें, अक्सर ना बच्चों ये पेपर में आता ही आता है, और बच्चे क्या होते हैं यहां पे गलत उत्तर करके आ जाते हैं। मही जमा ईश, मही जमा ईश, मही जमा ईश बराबर महीश। मही किसको कहते हैं, मही का मतलब धरती, मही का मतलब धरती, यानी धरती का भगवान। मही मतलब धरती, ईश मतलब भगवान। अब देखो मही में हमें एक सात मात्रा दिखाई पड़ रही है। मैंने बताया था कि संधि विच्छेद को सबसे बेहतर अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो पहले शब्द का आखिरी, यहां आपको मात्रा दिख रहा है बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। दूसरे वर्ड का, सेकंड वर्ड का पहला, यहां भी क्या है बड़ी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। परिवर्तन क्या आया, बड़ी ई की मही। यहां पर आपको यही चीज अगर पेपर में महा जमा ई शगर आ जाए, ध्यान बच्चों एक मात्रा का फर्क है। मैंने यहां लिखा था मही बड़ी की मात्रा है, अब मैं यहां लिख रहा हूं महा, महा जमा ईश। तो महा जमा ईश में ये आपने क्या देखा, आ, यानी आ, यहां आपने क्या देखा ई, आ जमा ई बराबर ए। अब इसका क्या हो जाएगा कच्चे में, महेश। ये मैं क्यों बता रहा हूं, एक मात्रा का ही खेल है, एक मात्रा ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। यहां आपने देखा मही, यहां आपने देखा महा, यहां आपने देखा बड़ी की मात्रा, यहां आपने देखा बड़ी की मात्रा, बन गया मही। लेकिन यहां अगर पेपर पे महा जमा ई आ गया ना बच्चों, तो महा में क्या हो जाएगा, आ जमा ई बराबर ए महेश। ये किसका है, ये गुण संधि का है। मैं अभी गुण संधि आपको बताया नहीं हूं, मैं आ रहा हूं
ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आपको मैंने नोटिस में डाल दिया, एक मात्रा से पूरा अंतर बदल गया। ध्यान दे रहे हैं, यहां पर आपने बड़ी की मात्रा देखी, यहां भी आपने बड़ी की मात्रा देखी, यहां आपने आ की मात्रा देखी, यहां आपने ए की मात्रा देखी। तो भूल संधि में मैंने ये बताया था आप लोगों को पहले कि 1 + 2 = 3, ये 1 क्या है आ, ये पहला परिवार है, ई किसका है, ये दूसरा परिवार है, बड़ा कौन हो रहा है ए, ये तीसरा परिवार को बड़ा कर रहा है, ये गुरु संधि है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे।